हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में चुनाव हुए, 28 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। उसके बाद अंतिम जो राज्य का चुनाव हुआ था वो हुआ था राजस्थान का, 7 तारीख को। चुनाव में जो अपेक्षाकृत परिणाम आने थे बीजेपी के, या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो नहीं आए। और परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थोड़े ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे आए हमारी दृष्टि से यदि देखा जाए तो। क्योंकि हम सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में, कम से कम मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन हुआ यूँ कि मध्य प्रदेश दो टुकड़े पड़ गया। आधा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर हुआ और आधा मध्य प्रदेश जो बचा हुआ था, या फिर यूँ कहें कि जो 109 सीटें बची हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की ओर गई, 114 सीटें कांग्रेस को मिली। स्पष्ट बहुमत कोई भी पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई, परंतु फिर भी अच्छा चुनाव रहा। इसी चुनाव पर बीजेपी की हार और कांग्रेस की विजय के बारे में मैंने एक कविता तैयार की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। निवेदन मेरा आपसे यही है कि बड़े ध्यान से इस कविता को आप सुने, यकीनन आपको मजा ना आए, आनंद जरूर आएगा। तो ध्यान से सुने। शुरुआत करता हूं मैं कविता की। शुरुआती पंक्ति है कि वक्त के खामोश लम्हों में खो सी गई है बीजेपी। वक्त की खामोश लम्हों में खो सी गई है बीजेपी। जनादेश को मानने के लिए विवश हो सी गई है बीजेपी। जनादेश को मानने के लिए विवश हो सी गई है बीजेपी। जनता जनार्दन के न्याय के पीछे दबसी गई है बीजेपी। राहें भले ही थी आसान, परंतु इन आसान राहों पर भी रास्ता भटक सी गई है बीजेपी। इन आसान राहों पर भी रास्ता भटक सी गई है बीजेपी। लगता था दिन में कई कई बार ये सोचने पर कि एक बार फिर से आएगी बीजेपी। लगता था दिन में कई कई बार ये सोचने पर कि एक बार फिर से आएगी बीजेपी। पर हमें यह नहीं था पता कि ये हमारी भूल है। पर हमें नहीं था ये पता कि ये हमारी भूल है। जनता को तो नहीं भाई बीजेपी, जनता को तो नहीं भाई बीजेपी। वक्त की सफेद चादर सिरहाने से कब निकल गई, वक्त की सफेद चादर सिरहाने से कब निकल गई कुछ भी पता नहीं चला। पराई सी लगती थी परंतु अपनी सी महसूस हुई बीजेपी। अंतिम बंद है। अब हर शतक को, हर प्रश्न को बस करना है एक ही काम। अब हर समर्थक को, हर प्रशंसक को बस करना है एक ही काम। इसका समय करो उसका जिसका समय जिसकी सरकार करो उसका गान। दोस्तों, अपेक्षा करेंगे कांग्रेस सरकार से भी कि जनता जनार्दन ने 5-6 वर्षों का कार्यकाल दिया है उसमें वो एक अच्छी राजनीतिक पार्टी की के रूप में उभर कर सामने आए। विकास की गंगा मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के
पुरोहित कहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 13 वर्षों के कार्यकाल में जो बहाई थी वही विकास की गंगा अगले आने वाले 5 वर्षों में, पार्टी भले ही कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, वही विकास की गंगा बहती रहे। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर चलता रहे। मध्य प्रदेश की जो हाल फिलहाल में स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, जो मध्यम वर्ग की स्थिति है, वो अपनी स्थिति में थोड़ी प्रगति करे, यही आशा हम हाल फिलहाल में जो नई सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में, वो भी अपना दायित्व अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, यही आशा हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना सहित सभी राज्यों की सरकारों से करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस पर।